हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो किसी देश की राजधानी नहीं है, लेकिन किसी राजधानी से कम भी नहीं है। बहुत सारी स्टडीज में निकल कर आया कि यहाँ पर 3000 साल पहले से ही लोग आकर रहने लगे, यानी यहाँ पर सिविलाइजेशन बहुत तेजी से डेवलप हुआ और बहुत ही पुराना है। दोस्तों, अगर आप बेहतरीन न्यू ईयर मनाना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, क्योंकि ये जगह इंटरनेशनल टाइम जोन में आती है। इसी के साथ बहुत सारी खूबसूरती इस देश में है, खूबसूरत सी बीचेस, खूबसूरत फूल, खूबसूरत बगीचे, खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर आना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेंगी, बेहतरीन वाटर एक्टिविटीज और कुछ ऐसा जो कहीं भी आपको सर्व नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस खास शहर की सैर पर। नाम है सिडनी। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, सिडनी के इस खूबसूरत सफर पर जाने से पहले आपको यहाँ टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सभी शहरों में ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है सिडनी। दोस्तों, सिडनी का क्षेत्रफल 12,144.6 वर्ग किलोमीटर है। 18वीं सदी के अंत में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से सिडनी का नाम कभी नहीं बदला गया। उस युग के ब्रिटिश मंत्री लॉर्ड सिडनी के सम्मान में इसका नाम रखा गया था। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारी स्टडीज हुई जिसमें पता चला कि ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लगभग 30,000 साल पहले इस जगह पर आए थे और यहाँ पर रहते थे। ये शहर अब स्थित हुआ, लेकिन ये बसा बहुत साल पहले था। ऑस्ट्रेलिया, खासकर सिडनी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप पसंद करते हैं। इस खूबसूरत शहर में देखने लायक बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रसिद्ध बंदरगाह से लेकर ब्लू माउंटेन के शानदार प्राकृतिक नजारे, एक बेहतरीन आर्किटेक्चर, कल्चर, लाइफस्टाइल, नाइट स्टाइल, बहुत कुछ। दोस्तों, सिडनी में ऐसी ऐसी जगह है जो दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। दोस्तों, सिडनी महानगरीय क्षेत्र में 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का घर है। तट पर बसे इस हलचल भरे शहर में बहुत सारा हिस्ट्री है जानने को और बहुत सारा कल्चर है पहचानने को। भले ही आप ऑस्ट्रेलियाई ना हो, लेकिन सिडनी ओपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज और बॉन्डी बीच सहित शहर के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिससे आप प्यार कर बैठेंगे। सिडनी धूप से जगमगाते समुद्र तट, कोने कोने पर कॉफी की शॉप्स, ठंडी बियर्स और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे दोस्ती करने वाले हैं, उनके लिए है। सिडनी के नागरिकों को सिडनी साइडर्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये शहर वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, लेकिन उससे भी कम नहीं है। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में सबसे बेहतरीन चहल पहल वाले शहरों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे अधिक शहरीकृत देश माना जाता है, जहाँ पर सिविलाइजेशन बहुत फास्ट है। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया में किसी भी अन्य शहर से अगर आप तुलना कर लें तो सबसे ज्यादा गगन को चूमने वाली इमारतें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से भी एक है? जी हाँ, स्टडीज बताती हैं कि ये दुनिया का बहुत महंगा शहर है। आपको अपनी जेब को बहुत भारी करके यहाँ आना पड़ेगा। इसी के साथ सिडनी के आसपास के सबसे बेहतरीन समुद्र तटों की अगर बात करें तो आप थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप शुरुआत कहाँ से करें। सर्फिंग, ड्राइविंग, काइकिंग, स्टैंड अप पैडल बोटिंग और जेट बोट राइड्स जैसे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जिसके मजे आप यहाँ ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सिडनी में हार्बर ब्रिज दुनिया के सबसे लंबे स्टील आर्च ब्रिज में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 1650 फीट है और खास तौर पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी। इसे 1930 के दशक में बनाया गया। आज इस पुल पर 8 ट्रैफिक लेन्स हैं, रेल की पटरियां हैं, पैदल यात्री मार्ग है, साइकिल पथ है और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं। इस ब्रिज के बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। आपको पता है दोस्तों, इस शहर की एक तिहाई से ज्यादा आबादी विदेशों में पैदा हुई और सिडनी में आकर बस गई, यानी कि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पैदा नहीं हुए। दोस्तों, आपको सिडनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आपको पता है दोस्तों, सिडनी इंटरनेशनल टाइम लाइन के पास स्थित है, जिसकी वजह से सिडनी हमेशा दुनिया का पहला प्रमुख शहर है जहाँ नए साल का जश्न सबसे पहले मनाया जाता है। सिडनी अपने अविश्वसनीय नए साल की आतिशबाजी के लिए भी जाना जाता है और ये आतिशबाजी शो बेहद ही खास होता है।
रात को जगमगाता है और 85 मिनट तक चलता है। वास्तव में ये इतना ज्यादा फेमस है कि दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग इसे देखने के लिए हर साल अपने टीवी के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, ये बेहद ही खास नजारा होता है। इसे देखकर आप सबको प्यार हो जाएगा। इसलिए अगर आप एक ऐसी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं जहां पर आप न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो आप यहां आ सकते हैं। इसी के साथ एक और बहुत खास बात है सिडनी के बारे में। दोस्तों, इस शहर में है ब्लू माउंटेन। जी हाँ, इसको ब्लू माउंटेन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये देखने में नीला दिखाई देता है। ब्लू माउंटेन का नीला रंग पहाड़ों को ढकने वाले यूकेलिप्टस के पेड़ों से निकलने वाले वाष्पीय तेलों के फैलाव के कारण होता है। ये एक प्रकार का ऑयल होता है जो नेचुरली इस पे स्प्रेड हो जाता है, और जब आप इसे दूर से देखते हैं तो ये नीले रंग की आभा के साथ आपको नजर आता है। ब्लू माउंटेन की यात्रा आपको झरने, घाटियां और ऊबड़ खाबड़ बलुआ पत्थर की पठारी भूमि का पता लगाने का एक मौका देती है, और खूबसूरती तो इतनी है कि पलट पलट कर आप देखेंगे। दोस्तों, इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सा फैशन शो होता है, और इस फैशन शो में लेडीज या गर्ल्स नहीं बल्कि बत्तख पार्ट लेती हैं। जी हाँ, बत्तखे, इन बत्तखों की मुख्य भूमिका होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिडनी के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। 2007 में 1010 महिलाएं बॉन्डी बीच पहुंची थी, और सबसे बड़े स्विम सूट समूह फोटोशूट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। इसी के साथ 221 मीटर लंबी पिज्जा की सबसे लंबी लाइन तैयार करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी शहर के नाम है। दोस्तों, सिडनी में पाया जाता है फनल वेब स्पाइडर, पृथ्वी पर सबसे खतरनाक मकड़ी है जो 15 मिनट में एक इंसान को मार सकती है, इसलिए इससे बचकर रहिएगा, खासकर ट्रैकिंग के दौरान। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक आबादी वाला सिडनी बेहतरीन छुट्टियां बिताने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को डेवलप करने में सिडनी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया है, और इसीलिए लोग इससे इतना प्यार करते हैं। यहाँ आकर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर है ओपेरा हाउस। जी हाँ, सिडनी घूमने के दौरान आप सिडनी के ओपेरा हाउस को कभी भी नहीं भूल सकते। सिडनी का ओपेरा हाउस बहुत ही अट्रैक्टिव और मन को मोह लेने वाली जगह है। यहाँ के दृश्य, यहाँ की तस्वीरें आपको बहुत ही एक्साइटेड कर देती हैं। ऐतिहासिक विरासत के रूप में इसे जाना जाता है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये स्ट्रक्चर आपको बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ आप यहाँ पर बहुत ही सुकून के पल बिता सकते हैं। दोस्तों, ये है सिडनी का डार्लिंग हार्बर। सिडनी के पर्यटन स्थलों में से एक डार्लिंग हार्बर बेहद ही खास जगह है। एलजी थिएटर में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन आपको यहाँ दिखेगी। पर्यटकों के बीच अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट है ये। डार्लिंग हार्बर शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। आप छोटे बच्चों के साथ इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाटर पार्क भी है यहाँ पर, और खूब सारी मस्ती करने का मौका भी। दोस्तों, दिस इज बॉन्डी बीच। जी हाँ, सिडनी में घूमने के लिए परफेक्ट जगह। दोस्तों, ये सिर्फ सिडनी का ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस बीच है। हर साल हजारों लोगों की भीड़ इस बीच पर आती है। बीच की सुंदरता और यहाँ होने वाली वाटर एक्टिविटीज वर्ल्ड फेमस है। बॉन्डी बीच पर घूमने के बाद दोबारा आना आप जरूर चाहेंगे। इस बीच पर आप बिना किसी डर के स्विम कर सकते हैं। समुद्र के तट पर बैठकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। आपकी ये ट्रिप यहाँ पर आकर यादगार बन जाएगी। और 6 किलोमीटर पैदल चलने की अगर आपके अंदर ताकत है तो यहाँ पर एक टूर आप जरूर लगा लीजिएगा। ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, दिस इज हार्बर ब्रिज। सिडनी का हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत स्थानों में से एक है। 1932 में इसे बनाया गया। ये दुनिया का सबसे लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। सिडनी की अट्रैक्टिव और बेहद ही फेमस प्लेसेस में से ये एक है। सबसे पहले तो ओपेरा हाउस है, और उसके बाद है सिडनी हार्बर ब्रिज। जी हाँ, सिडनी हार्बर ब्रिज की लंबाई 1149 मीटर है दोस्तों, और इस लंबाई के कारण ये दुनिया का 6वां सबसे लंबा पुल बन गया है। इस स्थान पर फोटो लेने का अपना अलग ही मजा है, इसलिए आप जब भी सिडनी की यात्रा का प्लान करें तो अपने साथ कैमरे को जरूर कैरी करें। इस खूबसूरत स्थान पर आप दोबारा आना चाहेंगे। दोस्तों, ये है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। सिडनी की प्रसिद्ध जगह में से एक है। ये गार्डन का निर्माण 1816 में हुआ था। पिकनिक के लिए ये स्थान सबसे अच्छा माना जाता है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन की हरियाली और यहाँ पाए जाने वाले कई किस्मों के फूल आपके मन को मोह लेंगे।
सीरियसली दोस्तों, जब आप इस गार्डन के अंदर एंटर करेंगे तो आप फील करेंगे कि कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, और सीरियसली एक अजीब सा सुकून आपको ये जगह दी जाएगी। और भी यहाँ पर बीचेस हैं, जू हैं, आपके पास समय हो तो इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये जगह अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।